तो दिन में पल्लवी पटेल विधायक दल की बैठक में गई थी, लेकिन शाम को वो डिनर में नहीं आई। और इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या पल्लवी पटेल, जिन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया था पीडीए को लेकर, क्या वो रातों रात बदल जाएंगी। तकनीकी तौर पर तो वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, और अगर व्हिप जारी होगा तो उन पर लागू भी होगा। बीच में उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए थे कि वो वापसी और सुलह की राह पर हैं, लेकिन आज जिस तरीके से पल्लवी पटेल का खेमा बिल्कुल शांत है, एक रहस्यमय भाव वहां बना हुआ है, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि पल्लवी पटेल का फैसला कल कुछ भी हो सकता है। तो आखिर पल्लवी पटेल वोट के बदले में चाहती क्या है? चर्चा ये चली कि वो अपनी मां के लिए विधान परिषद चाहती हैं, चर्चा ये है कि वो पार्लियामेंट के चुनाव में 2 से 3 सीटें चाहती। अब इसमें सच्चाई क्या है? क्या इनमें से कुछ भी बात समाजवादी पार्टी मानने जा रही है? इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि आज पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव की मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है, लेकिन शाम होते होते जिस तरीके से वो उस डिनर से गायब हैं, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब कल पल्लवी पटेल पर नजर रहेगी कि क्या वो पीडीए, यानी कि उन्होंने साफ कहा है कि वो सिर्फ पीडीए को वोट करेंगे, क्या रामजीलाल सुमन को वोट डालने वो आती हैं या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।